हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती की घटना के बाद अब नैनीताल पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने आज पुलिस टीम के साथ नैनीताल रोड स्थित कई ज्वेलरी शोरूम की चेकिंग की। इस दौरान टीम ने शोरूम की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया। चेकिंग के दौरान पुलिस को कई शोरूम में कमियां भी मिली। कई जगह गार्ड एक्टिव मोड में नहीं मिले। इसके अलावा उनके पास हथियार भी पुराने थे जिन्हें तुरंत बदलने के निर्देश दिए गए और शोरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी सही तरीके से नहीं लगे थे, जिसको लेकर एसपी सिटी ने कहा कि सभी बड़े शोरूम सीसीटीवी की डीडीआर ऑनलाइन सर्वर में रखें। इससे साथ ही उन्होंने पुलिस टीम को रात में गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज कुछ ज्वेलरी शॉप का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। इनको हमने बताया भी है कि आपके यहाँ ये कमियां, जैसे कि गार्ड जो है कई जगह अनआर्म्ड है या कई जगह उनके पास पुराने वेपन्स हैं या वेपन की प्रॉपर सर्विस नहीं है, और सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए, कुछ जगह तो सीसीटीवी कैमरे वर्किंग कंडीशन में भी पाए गए। और दूसरा ये कि सीसीटीवी मेरे द्वारा ये बताया गया कि इसका जो डीवीआर सिस्टम है इसको आप ऑनलाइन सर्वर पर भी रखिए, और तो कुछ कैमरों को चिप बेस्ड भी रखिए, और कुछ कैमरे ऐसे भी होने चाहिए कि उनका रेजोल्यूशन हाई हो, कम से कम 5 मेगापिक्सल से ऊपर के कैमरे हों ताकि हम उसे ढंग से आइडेंटिफाई कर सकें। इस तरफ में गश्त भी कितनी देर तेज़ी और गश्त पुलिस इसमें गश्त भी कर रही है, और पेट्रोलिंग जो हमारी चीता या हमारी जो पीसीज होती हैं उनको भी निर्देश दिया गया कि इस तरह के जो जितने भी शोरूम्स हैं या जो ऐसी रिस्क पर रहते हैं उनके पास भी नियम रहेंगे और चेकिंग भी करेंगे।